स्टेज स्ट्रक्चर के बारे में। स्टेज स्ट्रक्चर के अंदर जो है एक जनरली कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, जो डिजाइनर करते हैं, कॉमन एकदम कॉमन मिस्टेक है। अब देखिए, जब आईएस कोड मैंने एक वीडियो बनाया था इसके पहले, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि जो मतलब इंडियन कोड और AIC कोड, ये दोनों में डिफरेंस करके दिया था मैंने। इंडियन कोड के अंदर जो है LSM मेथड, मतलब लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड रहती है, वैसे ही AIC कोड के अंदर LRFD और ASD मेथड रहती है। ये दोनों जो है अपने अपने कोड के हिसाब से मेथड्स है। दोनों को एक साथ, अब हम जैसा हम आईएस कोड यूज कर रहे हैं उसके अंदर LRFD मेथड यूज कर रहे हैं, ये सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कॉमन मिस्टेक, देखिए ये एक डिजाइन करा हुआ है। अब ये डिजाइन के अंदर मैं एक चीज बताता हूँ आपको, यहाँ पे सब में पहले देखिए, ये इसने लोड लिया है और लोड को जो है मीन्स AIC के हिसाब से उसने डिफाइन किया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे डिजाइन में जाएंगे, जैसा हम डिजाइन के अंदर ये दिया हुआ उसने IS 800, देखिए IS 800 2007 लिया है इसने। अब यहाँ पे आप पैरामीटर के ऊपर चेक करेंगे, पैरामीटर चेक करेंगे तो ये पैरामीटर इसने AIC LRFD लिया है। देखिए अभी पैरामीटर 2 चेक करेंगे आप तो ये देखो कोड कौन सा लिया है उसने, IS 800, LSD लिमिट स्टेट डिजाइन। तो ये जो है पूरा गलत हो जाता है। आप जो है आईएस कोड यूज कर रहे हैं तो आईएस कोड का ही हमें मेथड यूज करना चाहिए, और आप AIC कोड यूज कर रहे हैं तो आप LRFD तब यूज कर सकते हैं। आप लोड कॉम्बिनेशन AIC का लगा रहे हैं और मेथड अलग लगा रहे हैं और फिर उसके बाद कोड अलग बता रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो वहाँ पे जो है हमारा डिज़ाइन प्रॉपर नहीं बन पाता है। अब वो हमें पता नहीं चल पाता है कि वो एकदम मीन्स वो सही करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। तो इसलिए एक प्रॉपर एक ही कोड यूज़ करें तो प्रॉपर हमें समझ में आता है कि वो प्रॉपर बने हुआ है करके। एक ही मेथड में जैसे हम आईएस कोड यूज कर रहे हैं, LSM मेथड, LSD बोलते हैं उसे, LSM बोलो या LSD बोलो, ये मेथड उसके अंदर यूज कर रहे हैं तो ये चल जाता है। हम लोड कॉम्बिनेशन भी उसके हिसाब से लगा रहे हैं, ठीक है वो चल जाता है, लेकिन हम लोड कॉम्बिनेशन AIC के हिसाब से लगा रहे, मेथड AIC का ले रहे और कोड इंडियन कोड डाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो है पूरा कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो। तो इसलिए ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स करने की नहीं रहती है। आप AIC कोड यूज़ कर रहे हैं तो AIC के पूरे लोड कॉम्बिनेशन और हर चीज़ AIC का यूज़ करिए, और आप इंडियन कोड यूज़ कर रहे हैं तो पूरा इंडियन कोड के हिसाब से करिए। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। ये मिस्टेक जो है कॉमन मिस्टेक करते हैं लोग डिज़ाइनर। तो प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए चैनल को।